Hello future officers, not every news is relevant for your UPSC preparation. Hi, my name is Rohit Garcha and I'm here to bring you the 25 years experience of Abhimanyu IAS, which has given more than 2200 selections since 1999. This is a 7-minute current affair series called To The Point. Zid Se Jeet Tak. बच्चे आज का जो हमारा टॉपिक है ये ना लेयर बाय लेयर खुलता जाएगा और हर लेयर के अंदर बहुत सारे सवाल छुपे हुए हैं एंड देर इज़ ए 90-95% चांस कि आज जो हम करने वाले हैं इससे यूपीएससी में डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली कोई क्वेश्चन ज़रूर आए। बहुत वाइड एम्बिट है इसका, मतलब इतना बड़ा क्लेम मैं इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझे पता है कि एम्बिट बहुत वाइड है, इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन छुपी हुई है। ट्राई करते हैं उसको समझने का स्टेप बाय स्टेप, राइट। आइए जी, सो दिस इज़ द क्रिटिकल मिनरल्स एंड क्लीन एनर्जी समिट। ये एक समिट हुआ है रिसेंटली पेरिस फ्रांस के अंदर, राइट। और ये किसने करवाया है, बाय द वे इट इज द फर्स्ट वन, किसने करवाया है, IEA, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी। सो देखिए वर्ल्ड कप चल रहा है क्रिकेट का, सो एक एक्स्ट्रा इनिंग्स मैं आपको जरूर दूंगा इस वीडियो के एंड तक, अगर तो हमारे पास टाइम बचा तो मैं वो एक्स्ट्रा इनिंग्स में जो टॉपिक्स हैं जिसके अंदर IEA को डिस्कस किया हुआ है तो मैं आपके साथ डिस्कस कर दूंगा। नहीं टाइम हुआ तो फिर आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, आई विल स्टेप असाइड फॉर 2-3 सेकंड्स। आइए बच्चे, 50 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव्स ने 6 मेन एक्शन एजेंडाज के ऊपर जो है यहां पे एग्री किया है इस पर्टिकुलर समिट के अंदर। चलिए देखते हैं वो कौन कौन से एक्शंस हैं, वो कौन कौन से एजेंडाज हैं। बाय द वे, क्रिटिकल मिनरल्स और दोज मिनरल्स जो कि आपकी एनर्जी ट्रांजिशन में काम आते हैं, जो एनर्जी ट्रांजिशन के लिए एसेंशियल है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप लोग अभी ईवी व्हीकल्स की तरफ जा रहे हैं, ईवी की तरफ हम जा रहे हैं और हम ई रिक्शा की तरफ जा रहे हैं, तो उसके अंदर हमें एक मिनरल की रिक्वायरमेंट है, हमें एक एलिमेंट की रिक्वायरमेंट है जिसका नाम है लिथियम, राइट। और अगर हम इलेक्ट्रिक के ऊपर पूरा शिफ्ट कर रहे हैं तो हमारे को अपनी वायरिंग भी चेंज करनी होगी, इसके लिए हमें एल्यूमिनियम एंड कॉपर चाहिए, राइट। इसके अलावा वी हैव कैडमियम जिसकी हमें बैटरीज में जरूरत पड़ती है। इसके अलावा जो हमारी विंड टर्बाइंस है उसकी जो परमानेंट मोटर्स हैं, परमानेंट मैग्नेट्स हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, उसके अंदर भी आपको कुछ कुछ मिनरल्स चाहिए होते हैं, तो इन सारे मिनरल्स को क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है, राइट। डिटेल में देखेंगे भी और मैं आपको एक लिस्ट भी दूंगा, इंडिया ने एक लिस्ट भी निकाली हुई है कि इंडिया के लिए कौन कौन से मिनरल्स क्रिटिकल है, 30 मिनरल्स की लिस्ट है वो एक। आइए बच्चे, सबसे पहले थोड़ा सा देखते हैं कि ये समिट में क्या बोला गया है, राइट। जो एक्शंस हैं क्रिटिकल मिनरल्स और एनर्जी जो हमने इंश्योर करनी है, एनर्जी सप्लाई, तो वो किस हिसाब से होगी, वो मिनरल्स की सप्लाई किस हिसाब से इंश्योर होगी, ये मेंस में भी काम आएगा आपके। सबसे पहले तो एडवांसिंग द गोल ऑफ डाइवर्सिफाइड मिनरल सप्लाईज, की कंसंट्रेटेड मिनरल सप्लाईज नहीं होनी चाहिए कि फलानी कंट्री ही कर रही है, एक कंट्री ही कर रही है, हमें डाइवर्सिफाई करना है, उसके लिए रिसर्च भी लगेगी, राइट। दैट्स वाई फॉस्टरिंग मार्केट ट्रांसपेरेंसी, मैक्सिमाइजिंग द पोटेंशियल ऑफ टेक्नोलॉजी एंड रिसाइकलिंग, फॉस्टरिंग मार्केट ट्रांसपेरेंसी कि छुपा के नहीं रखना फिर आपने, हम एग्री करते हैं कि अगर कहीं पर भी मिलेगा तो हम बता देंगे क्योंकि अल्टीमेटली ये क्रिटिकल मिनरल्स हैं और पूरे वर्ल्ड को ही शिफ्ट करना है सस्टेनेबल एनर्जी की तरफ, राइट। इम्प्रूविंग द एक्सेसिबिलिटी ऑफ ट्रस्ट वर्दी इन्फॉर्मेशन, ये वही बात है, ये थोड़ा ट्रांसपेरेंसी की तरफ ज़्यादा आपको ये समिट जो है वो उसके तरफ झुकाव आपको ज़्यादा दिखेगा इसमें, राइट। एस्टेब्लिशिंग इंसेंटिव्स फॉर सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल प्रोडक्शन, मैं लास्ट वाले पे चलता हूँ। कंसेंसस वॉज एग्रीड ऑन टू रिड्यूस एनर्जी एंड वाटर रिक्वायरमेंट्स इन द एक्सट्रैक्शन एंड प्रोसेसिंग ऑफ दीज मिनरल्स, राइट। तो ये ओवरऑल मिनरल्स के अराउंड रिवॉल्व कर रहा है, एनर्जी सिक्योरिटी और ट्रांसपेरेंसी ऑफ इन्फॉर्मेशन के अराउंड जो है ये पर्टिकुलर चीज़ रिवॉल्व कर रही है, राइट बच्चे। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्रिटिकल मिनरल्स कौन से होते हैं, विच आर क्रिटिकल फॉर एनर्जी ट्रांजिशन, कन्वेंशनल से लेके आपको जो सस्टेनेबल एनर्जी सोर्स है, एनर्जी प्रोडक्शन की चीज़ें हैं उनकी तरफ जाने के लिए जो हमें मिनरल्स चाहिए उनको क्रिटिकल मिनरल्स कहा जाता है, राइट। तो मैंने आपको बताया कि लिथियम, निकल, कोबाल्ट, मैंगनीज, ग्रेफाइट, ये बैटरी परफॉर्मेंस के लिए ज़रूरी है। REE जिसको रेयर अर्थ एलिमेंट्स कहते हैं, ये परमानेंट मैग्नेट्स के अंदर ज़रूरी है जो कि विंड टर्बाइन्स और ईवी मोटर्स के अंदर लगते हैं। इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी नेटवर्क्स को एल्यूमिनियम और कॉपर की ज़रूरत है, राइट। सो ये सारे हमारे क्रिटिकल हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे हैं, सिर्फ मैंने आपको एक एग्जांपल के तौर पे ताकि आपको समझ में आ जाए कि क्यों है ये क्रिटिकल। आगे चलते हैं बच्चे, अब इंडिया ने एक लिस्ट निकाल रखी है जिसको बोलते हैं क्रिटिकल मिनरल्स फॉर इंडिया। ये आप एक बार इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए या वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लीजिए।
मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू देता हूँ, मैं हर एक मिनरल पे तो नहीं जाऊंगा, बट मैं सिर्फ आपको एक चीज हाईलाइट करना चाहता हूँ कि दिस इज अ लिस्ट ऑफ 30 क्रिटिकल मिनरल्स। बाय द वे, जुलाई 2023 में ही निकली है लिस्ट, आई थिंक मिनिस्ट्री ऑफ माइंस की वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। मैंने ये जो हमारा प्रेस इन्फॉर्मेशन ब्यूरो है उसकी वेबसाइट से निकाला है, राइट। कहने को ये 30 है, लेकिन ये 30 से ज्यादा है, क्योंकि इसके अंदर PGE जैसी चीजें भी हैं। PGE इज प्लेटिनम ग्रुप एलिमेंट, जिसके अंदर एक से ज्यादा एलिमेंट है, राइट। सो ये टेक्निकली तो उतना है, लेकिन 30 से ज्यादा है ये। REE है इसके अंदर, जिसके अंदर 17 मेटेलिक एलिमेंट्स हैं, राइट। सो 30 की लिस्ट है ये। आप अगर इस लिस्ट को ढंग से प्रिपेयर कर लेते हो बच्चे, क्योंकि मिनरल से क्वेश्चन आता ही आता है हर साल, अगर इसके सारे एलिमेंट्स आप 30 के 30 प्रिपेयर कर लेते हो, इसके बाहर आपको मिनरल से जो है वो क्वेश्चन नहीं आएगा, राइट। उसके बाद में आपको ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, दिस विल बी ऑल, राइट। नाउ इट्स टाइम फॉर योर एक्स्ट्रा इनिंग्स, राइट। सो क्रिकेट का वो चल रहा है, तो मैं आपको थोड़ा सा दिखा देता हूँ कि आपको एक चीज़ ध्यान रखनी कि जो IEA है, इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी, ये मेजर ऑयल इंपोर्टिंग कंट्रीज हैं। ये ऑयल की डिमांड को रिप्रेजेंट करती है, ऑयल की सप्लाई को नहीं, और इनमें एंट्री उसी को मिलती है जो कि OECD नेशंस है। ओनली द OECD नेशंस आर गिवन द मेंबरशिप टू IEA। इसके अलावा अगर आप पढ़ना चाह रहे हो तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। दिस 7-मिनट टू द पॉइंट सीरीज स्पेशली डिजाइंड फॉर योर प्रीलिम्स एग्जामिनेशन। If you wish to cover your current affairs holistically for your mains as well as for your interview, please check out Abhimanyu IAS Current Affairs Master Course 2024. It is based on Trishul model. You will be getting 3 things. Number 1, weekly classes. Number 2, weekly PDFs of current affairs. Number 3, weekly tests on current affairs. The link to join the course is given in the description below. Zid se jeet tak. And if you are ziddi enough, subscribe for regular updates. This tailor-made current affairs master course is enough for your preparation of current affairs for UPSC Civil Service Examination 2024.